बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेखाएं, यानी कि दो देश के बीच की कौन कौन सी रेखाएं हैं। पेपर छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता जरूर है। ये विषुवत रेखा है, पहला विषुवत रेखा देशांतर रेखा समझे किसे कह रहे, जो जीरो डिग्री एक रेखा खींची गई है पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा है। इससे ऊपर नब्बे रेखा है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, यानी कि विषुवत रेखा से अक्षांश रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इससे ऊपर नब्बे रेखा है ऐसे 1 2 3 4 5 और इससे नीचे भी नब्बे रेखा है जीरो डिग्री से, ये जीरो डिग्री वाली है। इससे नब्बे रेखा है ऊपर है विषुवत रेखा से, नब्बे रेखा है नीचे है और ये पूर्व से पश्चिम खींची गई है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो जो उत्तर से दक्षिण रेखा खींची गई है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ग्लोब पे, इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। मैंने इनके बारे में आपको भारत के भूगोल में बताया भी है, क्लियर। तो शुरुआत करते हैं, जो अलास्का और कनाडा के बीच की रेखा है इसको बोलते हैं 149वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा है, उत्तर दक्षिण खींची रेखा है। तो अलास्का और कनाडा के बीच में 149वीं पश्चिमी, 149वीं पश्चिमी देशांतर रेखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अलास्का पर किस देश का अधिकार है, क्लियर। अब बात करें कनाडा और यूएसए की, यह 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा है। यह ऐसे है 1 2 3 4 5, तो यह 49वीं पड़ती है। तो कनाडा और यूएसए के बीच में जो रेखा है 49वीं समांतर रेखा है, और ये कौन सी देशांतर है ये वाली, और ये समांतर रेखा ये वाली है 1 2 3 जीरो से नब्बे वाली, तो जीरो से ऊपर नब्बे खींची गई है। अब बात करेंगे अफ्रीका की, जहां जहां रेखा है मैं वहीं वहीं बता रहा हूं। एक देश पड़ता है अफ्रीका का जिसे बोलते हैं लीबिया, और यहां पे एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं सूडान, और इस देश का जो नाम है यहां पड़ता है इसको बोलते हैं मिस्र। तो जो लीबिया और सूडान के बीच की रेखा है, लीबिया और सूडान के बीच की रेखा है वो है 22वीं समांतर रेखा, 22वीं समांतर रेखा है, सॉरी 20वीं समांतर रेखा है। तो जीरो से 1 2 3 4 5 यहां 20वीं रेखा बढ़ती है लीबिया और सूडान के बीच में, कौन सी 20वीं समांतर रेखा। जो सूडान और मिस्र के बीच की रेखा है, अब ये 20 से ऊपर बढ़ेगी, तो मिस्र और सूडान के बीच की रेखा है 22वीं समांतर रेखा, कौन सी 22वीं समांतर रेखा है। तो इतनी बात हुई आपकी अफ्रीका से। अब बात करें यूरोप की, ये पुर्तगाल है, ये आप क्या है स्पेन है, और ये आपके फ्रांस है। फ्रांस के बाद में ये इटली है, ये स्विट्जरलैंड है, और ये जर्मनी है। तो ये क्या है भैया, जर्मनी है। तो बात करेंगे फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा, फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा आपको याद रखनी है मैगी नॉट रेखा है। एक रेखा और है जिसको बोलते हैं सैन फ्रीड रेखा, सैन फ्रीड रेखा। ये आपको दोनों रेखा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है ये, क्लियर। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की दो रेखा है आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं पेपर में आपकी मुलाकात होगी। अब बात करेंगे, देखो ये हो गया आपका फ्रांस, ये हो गया जर्मनी। जर्मनी बराबर पड़ता है देश पोलैंड, कौन सा पोलैंड। तो बात करेंगे जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा, यहां भी आपको दो याद रखनी है, एक तो है ऑर्डर नीचे रेखा, और दूसरी याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी वाली,
हिंडन, हिंडन बर्ग रेखा बहुत इंपोर्टेंट रेखा है दोनों जर्मनी और पोलैंड के बीच की। ठीक है, यहां पे एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं फिनलैंड। ठीक है, अभी जो इधर का हिस्सा है ये एशिया है और ये यूरोप है। यहां ये एशिया हो गया, इधर ये यूरोप, ये फिनलैंड है। अब यहां क्या है भैया आपके, रूस है, रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में है। तो फिनलैंड और ये वाला जो है इतना हिस्सा ये रूस का है। क्लियर, तो फिनलैंड और जो रूस के बीच की रेखा है उसका नाम क्या है, कौन सी रेखा, फिनलैंड और रूस के बीच की, फिनलैंड और रूस के बीच की रेखा है मैनर हीन रेखा। मैनर हीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो इतनी बात होगी आपकी यूरोप से। अब बात करेंगे यहां पे पड़ता है वियतनाम देश। तो वियतनाम के दो हिस्से हैं, उत्तरी वियतनाम, मैं यहां बता रहा हूं यहां वियतनाम पड़ता है, वियतनाम के दो हिस्से हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, एक को बोलते हैं उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, और एक हिस्से को बोलते हैं इसके दक्षिणी वियतनाम। क्लियर, ये इस प्रकार देश है। तो जो बीच की रेखा है, जो बीच की रेखा यहां पड़ता है विदेशी, तो बीच की रेखा इसको बोलते हैं 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा। क्लियर, इस बात को लेकर इससे ऊपर उत्तरी कोरिया पड़ता है, दक्षिणी कोरिया पड़ता है। अब बात करें उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की, तो देश ऐसे है इसे बोलते हैं उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, और ये है आपका दक्षिणी कोरिया। तो जो बीच की रेखा है उसको बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। क्लियर, बहुत खास क्वेश्चन है वियतनाम का भी और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का भी। इतनी बात आप यहां से क्लियर हुई। ऑस्ट्रेलिया में कोई रेखा नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है। अब बात करें भारत की, बात करें किसकी, भारत की। अब मैं आपको बता दूं भारत की बात कर रहे हूं, तो यहां पे है आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ये है आपका भारत। तो जो पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण करा था 46 में, तो कोई दिक्कत नहीं, रेड क्लिफ याद रखोगे आप। इससे ऊपर पड़ता है आपके अफगानिस्तान, इससे ऊपर पड़ता है आपके अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बीच की रेखा है उसको बोलते हैं डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा कभी भारत और अफगानिस्तान के बीच थी क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत में था, लेकिन क्या हुआ जब पाकिस्तान अलग हुआ तो डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होगी। इतनी बात की जाए, इधर पड़ता है आपके चीन, यहां पे है अरुणाचल, तो जो अरुणाचल की सीमा पे है यहां पे एक रेखा है जिसे बोलते हैं भारत और चीन के बीच की रेखा, इसका नाम है मैकमोहन की रेखा, मैकमोहन रेखा। क्लियर, और जो रेखा टच कर रही है किस जिले का कर रही है, किन्नूर जिला है, अरुणाचल का किन्नूर जिला है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। ये बांग्लादेश है, यहां ये नीचे क्या है, यहां इतना इधर म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। तो भारत और बांग्लादेश की जो रेखा है उसको बोलते हैं न्यू मैंस लैंड, न्यू मैंस लैंड की रेखा। क्लियर, और मैं आपसे बात करूं जहां कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी, अगर भारत कच्छ की खाड़ी और पाकिस्तान की बात करूं तो 24वीं समांतर रेखा है, कच्छ की खाड़ी और पाकिस्तान की बात करूं तो 24वीं समांतर रेखा है। थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिए इस बात का भी। और कच्छ की खाड़ी में एक स्थान पड़ता है, इसे बोलते हैं